हेलो एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को डिटेल में समझेंगे। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं लिपिड का एक टाइप। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं उनकी मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड की बायलेयर से, जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा। बायलेयर का क्या मतलब है कि ये दो लेयर्स में प्रेजेंट होता है और इसके साथ मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। तो फॉस्फोलिपिड की बायलेयर क्या काम करती है? ये अंदर प्रेजेंट सेल के जितने भी मटेरियल होते हैं उनको बाहर जाने से रोकती है और बाहर से भी सब्सटेंसेस को अंदर आने को रोकती है। तो ये एक प्रोटेक्शन का काम करती है और किसी भी मटेरियल की लीकिंग से सेल को बचाती है। फॉस्फोलिपिड, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट और लिपिड। तो इसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिक का मतलब है फियरिंग। तो ये लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वाटर फियरिंग, या ये वाटर को हेट करने वाले मॉलिक्यूल हैं। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोफोबिक होने का क्या रीज़न है? लिपिड मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है एक चेन जो बनी होती है हाइड्रोजन और कार्बन एटम से। इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन एनफ अमाउंट में प्रेजेंट ना होने की वजह से लिपिड बन जाते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। जबकि दूसरी तरफ जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, जो कि हाइड्रोफिलिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट में जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने ही कार्बन के एटम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो आप देख रहे हो कि जितने कार्बन प्रेजेंट है उतने ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट होते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और आप इन्हें ईजिली वाटर में मिक्स कर सकते हो या ईजिली वाटर में ये डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिपिड बनते हैं हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इनमें लंबी चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन एनफ अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती है। तो लिपिड का एक टाइप होता है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड वही लिपिड्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी स्टोर करती है एज अ फैट। तो ट्राइग्लिसराइड बने होते हैं ग्लिसरॉल की बैकबोन पर। अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है C3H8O3। यहाँ जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उतने ही ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो ग्लिसरॉल एक हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होता है, लेकिन जब इसका एस्टेरिफिकेशन हो जाता है, मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये फैटी एसिड की लंबी हाइड्रोकार्बन चेन इससे जुड़ जाती हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड बन जाते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब ये फैटी एसिड की चेन भी तीन तरह की होती हैं, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। तो ये सैचुरेशन डिसाइड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द फैट्स। तो जैसे आपने देखा होगा एनिमल फैट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो आपको फ्रिज में भी रखने पर आप उनको लिक्विड ही पाओगे। तो ट्राइग्लिसराइड में अनसैचुरेशन डिसाइड करता है उसकी फिजिकल स्टेट। अब फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर होते हैं ट्राइग्लिसराइड से, क्योंकि ये भी बने होते हैं ग्लिसरॉल की बैकबोन पर और इनमें तीन की जगह दो फैटी एसिड की चेन होती है। तो इसका मतलब है ये है डाइग्लिसराइड। तो फैटी एसिड की चेन के अलावा इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और आप यहाँ देख सकते हो कि ऑक्सीजन के एनफ एटम प्रेजेंट हैं और ये फॉस्फेट जुड़ा होता है फिर नाइट्रोजन ग्रुप से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एनफ अमाउंट की वजह से ये वाला पार्ट जो होता है फॉस्फोलिपिड का वो बन जाता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और जो ये फैटी एसिड की चेन होती है, जैसा हम जानते हैं, ये होती है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक इसीलिए होते हैं नेचर में, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप में प्रेजेंट ऑक्सीजन के एटम इसे हाइड्रोफिलिक बनाते हैं और यहाँ फैटी एसिड की जो चेन होती है वो इसे हाइड्रोफोबिक बनाती है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये ग्लिसरॉल की बैकबोन के साथ मिलकर अपने आप को ऐसे रेंज करता है कि पॉप होकर एक हेड जैसा पार्ट बना लेता है और नीचे ये फैटी एसिड की दो चेन बन जाती हैं। तो ये जो फैटी एसिड की चेन होती हैं ये होती हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर और जो ये हेड पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं
एम्फीपैथिक। तो जब ये डबल लेयर की फॉर्म में अरेंज होता है, सेल के बाहर जो लिक्विड होता है उसमें ये इनका हेड पार्ट आ जाता है और ये टेल अंदर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही सेल का जो इंटीरियर होता है जहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है वहाँ इनकी दूसरी लेयर का हेड आ जाता है और अंदर की तरफ टेल हो जाती है। तो दोनों टेल मिलकर ये वाला रीज़न बनता है हाइड्रोफोबिक और ये बाहर के जो हेड पार्ट होते हैं ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। तो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये हमने समझा क्योंकि फैटी एसिड की चेन होती है जो उन्हें बनाती है हाइड्रोफोबिक इन नेचर और फॉस्फेट ग्रुप में प्रेजेंस ऑक्सीजन इन्हें बनाती है हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो यहाँ हमने फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को समझा। अब ये जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देते हैं। तो फ्लूइडिटी से क्या मतलब होता है, फ्लूइडिटी का मतलब है ईज ऑफ फ्लो, कितने इजीली जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में वो फ्लो कर पा रहे हैं। तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कैसे पॉसिबल होती है, तो हमने पीछे देखा था कि फैट्स में दो तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है। तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनमें हाइड्रोकार्बन की चेन में, जैसे हमने पीछे देखा कि हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन होती है, उस चेन में बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। तो डबल बॉन्ड ना होने की वजह से ये बनते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे जो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये बन जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये भी दो तरह के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। तो मोनो अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और पॉली अनसैचुरेटेड में दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब इनसे क्या फ़र्क पड़ता है स्ट्रक्चर में, तो अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चेन आपको बिल्कुल सीधी दिखाई देगी जैसा आपको इस वाले स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये हेड है और नीचे दो चेन है जो बिल्कुल सीधी हैं। लेकिन अगर ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होती हैं तो ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वो यहाँ पर एक मोड़ बनाता है स्ट्रक्चर में चेन के, तो यहाँ पर ये मोड़ कहलाता है किंक। तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ही चेन में आपको किंक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड की उसमें एक किंक प्रेजेंट होता है। अब इसके होने से क्या होता है, तो जब इनकी पैकिंग होती है मतलब जब ये मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं तो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में डबल लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं जैसा हमने पीछे भी देखा। तो नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरह रहते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होने लगे तो जैसे कोल्ड एरियाज़ में एनिमल्स होते हैं तो जब वहाँ टेम्परेचर गिरने लगता है तो क्या होता है कि ये जो फैटी एसिड की चेन अगर सैचुरेटेड हो तो ये पास पास आने लगते हैं टेम्परेचर गिरने की वजह से, और इनके पास पास आने से इनका मूवमेंट स्टॉप हो जाता है क्योंकि पास पास अरेंज हो जाएंगे तो इनका हिलना डुलना बंद हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में होता है एक किंक प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन में और ये किंक इनको टेम्परेचर गिरने पर भी पास पास आने से रोकता है, तो ये डेंसली पैक नहीं हो पाते और इसी वजह से ये मेम्ब्रेन में जितने भी फॉस्फोलिपिड होते हैं ये इजीली मूव करते हैं अगर टेम्परेचर लो भी कर दिया जाए। तो इसी बात को हम होम्योस्टेसिस में भी समझते हैं कि कोल्ड एरियाज़ में जितने भी एनिमल प्रेजेंट होते हैं वो टेम्परेचर गिरने पर भी उनकी मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी बनी रहती है। तो यहाँ पर ये जो किंक है ये मेम्ब्रेन को डेंसली पैक होने से या मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड को डेंसली पैक होने से बचाता है और उनमें फ्लूइडिटी देता है। तो ये एक कैरेक्टर है फॉस्फोलिपिड का जो आता है फैटी एसिड में प्रेजेंट अनसैचुरेशन में। तो ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड से स्ट्रक्चर में किंक का प्रेजेंट होना ट्रू होता है वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स में भी। जैसा आपने देखा होगा कि कुछ वेजिटेबल ऑयल होते हैं अगर आप उन्हें फ्रिज में भी रख दें तो भी वो लिक्विड स्टेट में ही रहते हैं, लेकिन कुछ जो एनिमल फैट होते हैं वो रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा भी दें तब भी सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन होने की वजह से। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जितने भी फॉस्फोलिपिड होते हैं वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर सकते हैं और इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं, इस वजह से मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो डायनामिक होता है। तो यहाँ हमने देखा कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस वजह से आती है, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में एक किंक प्रेजेंट होने की वजह से। तो यहाँ हमने फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को समझा और उसकी वजह से मेम्ब्रेन में क्या कैरेक्टर्स आते हैं उसको भी देखा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।